हेलो फ्रेंड्स, यार देखो जीके का एक और अपडेट आ गया है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इस साल आपको आईएफटी, स्नैप, जैट या सीमैट के एग्जाम में काफी ज्यादा इस समय हीटेड डिस्कशन चल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बनी, इंडियन कंपनी में भी भाई काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी नंबर वन कंपनी है, कौन सी नंबर टू कंपनी है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर पेपर में भी देखा एग्जाम में, तो इस साल भी आप देख सकते हो। तो इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। यार सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब जो है जीके की, क्वांट की, एलआर की, इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वीडियोस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। क्या पता भाई यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो अगर मैं बात करूं टॉप कंपनी इन द वर्ल्ड की, तो सबसे पहले ये समझो कि टॉप कंपनी डिसाइड कैसे होती है। तो वो डिसाइड होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वर्ड देख के ही पता चल रहा है हमें कि जो मार्केट आपने कैप्चर कर रखा है, कैसे कैप्चर कर रखा है, जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट में, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, 10000 हो, जितने भी शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय शेयर का जो वैल्यू है उस दिन, उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल आपका मार्केट कैप निकल के आ जाता है। तो ये मार्केट कैप चेंज होता रहता है जैसे जैसे शेयर का वैल्यू चेंज होता है। तो अभी जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन आई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि एप्पल जो कंपनी है वो $1 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। कहा यह जा रहा है कि वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो 1 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यू को टच कर पाई है। ठीक है, तो इसके पीछे अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो एप्पल के बाद जो सेकंड नंबर पे कंपनी है वो है अमेजॉन, और अमेजॉन का जो करंट अभी वैल्यूएशन है दैट इज $872 बिलियन। तो 1 ट्रिलियन का जो मार्क है, एक गोल्डन मार्क है जिसे बहुत सारी कंपनी टच करना चाहती थी, चाहे वो गूगल हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे एप्पल हो। तो उस रेस को एप्पल ने इस समय जीत लिया है। लेकिन अमेजॉन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, उसका जो फाउंडर है जेफ बेजोस, वो इस समय दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया है, क्योंकि उसकी वैल्यू भी बढ़ गई है। क्योंकि देखो उसके पास शेयर है, तो जैसे जैसे अमेजॉन का शेयर बढ़ेगा तो उसकी सेल्फ वर्थ भी इंक्रीज होती रहेगी। इसके बाद अमेजॉन के बाद अगर मैं बात करूं तो वो कंपनी है अल्फाबेट। अल्फाबेट जो कंपनी है दैट इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। गूगल पहले एक सेपरेट कंपनी थी, लेकिन अल्फाबेट ने एक बड़ा अम्ब्रेला बना दिया, क्योंकि गूगल काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा था, तो सारी कंपनीज को एक साथ वो ले आया एक ही नीचे, अल्फाबेट के नीचे। तो जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के नीचे बहुत सारी कंपनीज हैं, वैसे अल्फाबेट हो गया, उसके नीचे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें से गूगल उसकी मेजर कंपनी है। तो अल्फाबेट का जो करंट मार्केट वैल्यू है दैट इज $844 बिलियन। तो इतने की ये कंपनी बन चुकी है। एंड अगर इसके बाद अल्फाबेट के बाद बात करूं तो वो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का जो करंट वैल्यूएशन है दैट इज $816 बिलियन। एंड माइक्रोसॉफ्ट के बाद जो कंपनी आ रही है वो आ रही है फेसबुक, जिसका करंट वैल्यूएशन समवेयर अराउंड $5 बिलियन है। तो ये दुनिया की 5 कंपनीज हैं जिसमें एप्पल $1 ट्रिलियन, अमेजॉन 872, अल्फाबेट 844, माइक्रोसॉफ्ट 816 एंड फेसबुक $500 बिलियन। तो भाई सूनर और लेटर हम इसमें कुछ चेंजेस देख सकते हैं जैसे जैसे इनके शेयर के प्राइसेस चेंज होंगे। लेकिन एक बात ये समझ लो कि अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि रिसेंटली ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 1 ट्रिलियन के बेंचमार्क को टच किया, तो दैट इज एप्पल। इसके इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ है आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया की पहली कंपनी एप्पल है। भाई 2007 में चाइना की एक कंपनी थी जिसका नाम था पेट्रो चाइना, ये एक पेट्रोलियम एंड ऑयल कंपनी थी। ये जब IPO ने रिलीज किया था, तो जब ये लॉन्च हुआ था इसका शेयर, तो भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे शेयर हुआ था इसका लॉन्च, एंड काफ़ी ज़्यादा इसके वैल्यू बढ़े। तो उस टाइम इसने 2007 में ही टच कर दिया था 1 ट्रिलियन का टोटल वैल्यूएशन। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा इसलिए माना नहीं जाता, रीज़न बीइंग कि ये जो वैल्यूएशन था ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया था, क्योंकि पेट्रोल के प्राइजेस सडनली बहुत ज़्यादा फॉल हो गए थे, एंड इसकी जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा फॉल हो गई थी, $200 बिलियन के आसपास तक गिर गई थी। तो इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपसे थ्योरिटिकली ये पूछा जाए कि वर्ल्ड की पहली कंपनी ऐसी कौन सी है जिसने $1 ट्रिलियन टच किया था, तो थ्योरिटिकली आंसर होगा हमारा पेट्रो चाइना। लेकिन पेपर में जब पूछा जाएगा तो वो यही पूछा जाएगा रिसेंटली किसने टच किया है, या पहली US की कंपनी कौन सी है, तो उसका आंसर आपका एप्पल हो जाएगा। इसके साथ ही भाई आजकल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है इंडियन कंपनीज में। बात ये भी आती है कि अच्छा वर्ल्ड की तो हमें पता चल गई कि एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया की कौन सी है? तो इंडिया की इस समय जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, एंड इसका जो वैल्यूएशन है दैट इज $100 बिलियन। तो $100 बिलियन को क्रॉस करा है इसने। ये इसलिए अभी न्यूज़ में है क्योंकि थोड़े दिन पहले TCS को रिमूव कर दिया था RIL ने। RIL है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्योंकि ये कंपनी भी $100 बिलियन के क्लब में एंटर कर चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में एक डेली बेसिस पे भाई फाइट चल रहा है। पहले TCS टॉप पे था, फिर रिलायंस टॉप पे आया, अब वापस
टीसीएस टॉप पे आ गया है, तो दोनों कंपनीज के बीच में फाइट चल रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया की सॉरी इंडिया की इस समय टॉप टू कंपनीज कौन सी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो द आंसर विल बी टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये भाई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए, एंड मैंने आपको पूरा क्रक्स में बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सारे अपडेट आपको अब मिलते रहें, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।